नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से थ्री सॉलिड्स ऑफ मास आपके दिए हुए एम वन एम टू एंड एम थ्री आर कनेक्टेड विद वेटलेस स्ट्रिंग्स इन सक्सेशन एंड आर प्लेस ऑन फिक्शन लेस टेबल इफ द मास इज ड्रैग विद फोर्स टी सवाल है टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन एम टू एंड एम थ्री विल बी सो ये आपका स्नैरियो है कि ये आपका मास एम वन और ये मास आपका एम टू और ये मास आपका M3, ये एक के बाद एक सक्सेशन में ऐसे रखे हुए हॉजनटल फ्रिक्शन लेस टेबल पे, और यहाँ पे हमने M3 जो मास है उसके ऊपर एक फोर्स लगाया उस फोर्स को हमने T नाम दे दिया अब सवाल ये यहाँ जो आपकी T T2 नाम दे रहे थे ये टेंशन की कितनी वैल्यू होगी कि ये हमें बताना है ना सबसे पहली बात तो ये तीनों ब्लॉक क्योंकि आपके कनेक्टेड हैं और तो इसको हम जिस तरह से हमने थ्योरी में सीखा है इसके सवाल सॉल्व करना लेट मी चेंज पेन कलर ऑनलाइन तो जैसे हमने थ्योरी में सीखा है तो तीनों क्योंकि आपके कनेक्टेड मास हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो तीनों आपके एक एक्सलेशन से आगे जा रहे होंगे उस एक्सेलेशन की वैल्यू आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू नेट डिवाइडेड बाय आपका टोटल मास जो वो आएगा सो so एक्सेलेशन की जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपका टोटल फोर्स आपका टी अप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल मास ये आ जाएगा आपका एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री नहीं? मैं आपको इस सवाल को करने का थोड़ा फटाफट वाला तरीका सिखा रहा हूँ उससे आपको इक्वेशन लिखने से हम बच जाएंगे एफ बना के इक्वेशन लिखते हैं उससे यूजुअली टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है उससे आ, बचने का तरीका है थ्योरी में हमने इसको कवर किया हुआ है सो आई वुड रिक्वेस्ट आई वुड सजेस्ट कि एक बार थ्योरी अगर इसमें थोड़ा डाउट हो तो थ्योरी के लेक्चर्स एक बार इसको रिवाइज कर लें Uh, हमें बताना है टेंशन बिटवीन एम टू एम थ्री ये क्या होएगा नाउ अगर हम इस ब्लॉक को इस पूरे सेक्शन को एम वन एम टू को एक ब्लॉक कंसिडर करें तो नाउ इसके ऊपर आपका फोर्स लग रहा है टी टू और इसका काम है एम वन प्लस एम टू को एक्सेलेशन से आगे लेके जाना सो टी टू की जो वैल्यू होगी उसको आप लिख सकते हैं टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सलेशन जो आपका नेट एक्सेलेशन है सो टी टू की जो वैल्यू है m जो आपका मास हो गया वो आ जाएगा जो मास यहाँ पे जिसको आगे लेके जाना है दैट विल भी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू और एक्सेलेशन की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है सो दिस विल भी इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा सो बेज ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर थ्री एम वन प्लस एम टू एम वन प्लस एम टू डिड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इन टू टी दिस विल बी आर फाइनल राइट आंसर